एमजी ने कॉमेट ईवी का अभी रिसेंटली प्राइस को कम किया था, अराउंड 1.40 लाख एक शोरूम से इसकी प्राइस को कम किया था। तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो अभी 7 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू हो जाता है। अभी एमजी ने इसमें एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, वो इसका फास्ट चार्जर है। पहले इसमें आपको 3.3 किलोवाट का स्लो चार्जर देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे जो है 7.4 किलोवाट का एसी फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, और वो जो है आपको लास्ट के दो वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेगा। पहले इसमें जो है पेस, प्ले और प्लश वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अभी जो है इसका नाम भी बदल दिया है। अभी यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव, एक्साइट और एक्सक्लूसिव वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक्साइट और एक्सक्लूसिव वेरिएंट में आपको जो है फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटीज़ मिलेगी। चार्जिंग टाइम को अभी तक कंपनी ने कंफर्म नहीं किया है कि फास्ट चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा, पर पहले का जो चार्जर था 3.3 किलोवाट का जो एसी चार्जर था, उससे ये बैटरी को 0 to 100% चार्ज करता था 7 आवर्स में, 7 घंटे में कंप्लीट चार्ज करता था। बट अभी जो है इसका चार्जिंग टाइम कम हो जाएगा, अराउंड 3 to 4, 5 आवर्स तक में ये जो है कम्प्लीट बैटरी को चार्ज कर देगा। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग वाले मॉडल्स में आपको रियर डिस्क ब्रेक मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये कुछ नए फीचर्स हैं जो कि आपको इन वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी कार में कोई भी चेंजेस नहीं है, इसकी बैटरी और जो मोटर है वो पहले जैसे ही मिलती है। इसमें 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसका ERA सर्टिफाइड रेंज 230 किलोमीटर का है। इसमें जो मोटर मिलती है उससे 42 BHP की पावर प्रोड्यूस होती है और 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस होता है।